डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम की NTUGCNET लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। और ये टॉपिक करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी टाइप को हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इसमें जैसे कि मैथमेटिकल टाइप से क्वेश्चन आता है, दूसरा इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमीजीनेट है तो जीआरएफ है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए वेन डायग्राम समुच्चों को व्यक्त करने वाली ज्योमिति आकृति को वेन आरेख कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट दिए हुए होते हैं, उनको व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम कुछ ज्योमिति आकृति ज्योमेट्रिकल आकृति बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। देखिए इस तरह के हमारे डायग्राम इसके अंदर बनते हैं, आपने 9th-10th क्लास में देखे हुए होंगे, तो इस तरह के हम आकृति इसके अंदर बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या विशेषताएँ होती है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और UGCNET में एक और टाइप है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक आरेखों के माध्यम से दी गई वस्तुओं के समूह को वर्गीकृत करना, इसमें क्या होता है कि हमें काफी कैटेगरी दी हुई होती है, उनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं इसके अंदर। नंबर दो संख्याओं या अक्षरों के माध्यम से किसी विशेष वर्ग के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं या संख्याओं को ज्ञात करना। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है कि इसमें ये देखिए ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है कि P के अंदर कितना हिस्सा आता है, R के अंदर कितना हिस्सा आता है, ये सभी जानने के लिए भी हम वेन डायग्राम का उपयोग करते हैं, ठीक है। और एक और जो तीसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा कथन से रिलेटेड आता है, इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड आता है कि वेन डायग्राम क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर दिया है बी, आंसर दिया है बी के अंदर क्या है, 1, 2, 4 है, 1, 2, 4 ये दिया हुआ है। वेन आरेख चिन्हांकन की एक स्पष्ट विधि है, ठीक है, इसको चिन्हित करते हैं हम किसी चीज को। वेन आरेख निरुपाधिक न्याय वाक्य के वैधता परीक्षण के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है। देखिए ये सारी की सारी चीजें मैं आपको अभी इंग्लिश में भी दिखाने वाला हूँ, तो आपको निश्चिंत होके वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आपको कराऊंगा मैं बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जैसे इसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वेन आरेख जो है हमारा डेफिनेशन की बात करते हैं, वेन आरेख होता क्या है, उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए नंबर एक पे वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ाता है, वेन डायग्राम कैन इनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग, वेन आरेख संकेत पद्धति का स्पष्ट तरीका है, वेन डायग्राम इज क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, वेन डायग्राम अभिकथनों और श्रेणियों को प्रदर्शित करता है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशन एज वेल एज क्लासेस, इन दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है, यह संकेतन की स्पष्ट पद्धति उपलब्ध कर सकता है, इट कैन प्रोवाइड क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, इससे हम क्लियर देख सकते हैं कि क्या चीज़ है कैसे है, क्लियर एकदम अच्छे से पता चल जाता है, यह वैधता परीक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति उपलब्ध करा सकता है, इट कैन प्रोवाइड द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी, वैलिडिटी को टेस्ट करने का एक ये बहुत ही अच्छा माध्यम प्रोवाइड करवा सकता है, समवाक्य संबंधी न्यायिक आकार के प्राथमिक अनुमानों की वैधता का प्रतिनिधि और मूल्यांकन करना, रिप्रेजेंट एंड असेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंस एंड सिलोजिस्टिक फॉर्म,
इन्फ्रेंस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे कथन अभिकथन जो होते हैं, इन्फ्रेंस प्रीमाइसिस होते हैं, उनको हम अच्छे तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी वैलिडिटी को हम जान सकते हैं। ये हम आगे और करेंगे, जैसे प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसमें वैलिड करते हैं, किसी चीज़ को वैलिडिटी कैसे जांचते हैं। वेन आरेख चिन्ह तांकन की स्पष्ट विधि है। वेन डायग्राम इज क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। ये चीज हमने ऊपर कर ली। अब देखिए अगला पॉइंट करते हैं हम इसके अंदर। वेन आरेख निपाधिक न्याय वाक्य के वैधता परीक्षण की सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है। इसका मतलब क्या है? वेन डायग्राम इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को जांचने की ये बहुत ही सर्वाधिक विधि है। और उसके बाद में हम और देखते हैं, वेन आरेख में निरूपाधक न्याय वाक्य के परीक्षण के लिए तीन अभिव्यापक वर्त बनाए जाते हैं। देखिए हिंदी में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है। इन वेन डायग्राम मेथड द थ्री ओवरलैपिंग सर्कल आर ड्रा फॉर द टेस्टिंग कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि हम तीन तीन इसके अंदर सर्कल बनाते हैं इस तरह से, और ये हमने आपको करवाया था। और वेन तर्कों को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करता है। वेन क्या है? वो जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं उनको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट ग्राफिकली। इसमें हम ग्राफ के जरिए जो भी हमारे तर्क है उनको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आप याद कर लेना, क्योंकि इनमें से हमारे क्वेश्चन आते हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, वेन डायग्राम के संबंध में जो बात सही नहीं है वो हमें देखना कि क्या बात सही नहीं है, यह वैध या अवैध हो सकता है, ये हमारी गलत बात है, इसे हम वैलिड या इनवैलिड नहीं कह सकते। वैलिड या इनवैलिडिटी किसी चीज की हम जांच सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि वैलिड या अवैलिड नहीं हो सकता, इनवैलिड। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं जो इसके संबंध में नहीं है, जो नेगेटिव चीजें हैं। यह वैध या अवैध हो सकता है, ये बात इसकी क्या है? गलत है। ये वैध या अवैध हो सकता है तो ये इसके संबंध में सही नहीं है। कोई अगर व्यक्ति हमें ये कहेगा कि वेन डायग्राम वैलिड हो सकता है, वेन डायग्राम इनवैलिड हो सकता है, तो ये बात उसकी गलत है, क्योंकि इससे हम किसी और चीज़ की वैलिडिटी जांचते हैं। वो क्या है कि वो हमें केवल इन्फॉर्मेशन देता है किसी चीज़ के बारे में, वो वैलिड है इनवैलिड है वो हमें खुद डिसाइड करना होता है किसी चीज़ के बारे में। तो ये क्या है कि ना ही तो वैध होता ना ही अवैध होता। इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्यापक दो वर्तों की आवश्यकता होती है, ये बात इसकी गलत है दोस्तों। इसके अंदर देखिए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर तीन डायग्राम हम बनाते हैं, ऊपर हम पढ़ के आए हैं ना कि इसमें कितने डायग्राम बनते हैं, तीन डायग्राम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, टू डायग्राम की इन्होंने बात की है। तो दो नहीं बनेंगे इसके अंदर, तीन सर्कल बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा आया हुआ है, पहले आया हुआ था। ये देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो कंटेन ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड। ये देखिए, वेन डायग्राम इज ए क्लियर नोटेशन, क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, ये चीज़ बिल्कुल चाहिए, हम पढ़ के आए हैं। वेन डायग्राम इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ये हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को वैलिडिटी उसकी हम जांच सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब इसमें हम नंबर तीन पे बात करते हैं, इन वेन डायग्राम मेथड द प्रीमाइसिस एंड द कंक्लूजन ऑफ ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज डायग्राम्ड। अब ये कह रहा कि कंक्लूजन भी उसके अंदर हम डायग्राम करते हैं, उसमें ग्राफिकली बताते हैं, नहीं कंक्लूजन उसमें नहीं, कंक्लूजन तो हमें निकालना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, निष्कर्ष हमें निकालना होता है, वो प्रेजेंट नहीं करता, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है क्या गलत है क्या सही है। अब नंबर इसको एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब नंबर चार पे देखते हैं, इन वेन डायग्राम
मेथड द थ्री ओवरलैपिंग सर्कल आर ड्रा फॉर टेस्टिंग ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। अब ये बात हमने ऊपर की थी कि वेन डायग्राम के अंदर तीन सर्कल बनाए जाते हैं, तो ये इसकी बात बिल्कुल राइट है। तो हमारी कौन कौन सी बात सही होगी, नंबर एक, दो और चार। एक दो चार हम देखते हैं किसके अंदर है, एक दो चार हमारा इसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और यूजीसी नेट में हमारे कथन अभिकथन से रिलेटेड और इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो आप ये सभी कर लेना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को आप लिख लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, अच्छे से इनको ध्यान में रख लेना। और आगे हम बात करते हैं कि आगे वेन डायग्राम से रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा और वेन डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ पे नंबर एक पे ये दिया हुआ है, ए दिया गया आरेख यह दर्शाता कि एक वर्ग दूसरे में पूर्णतः समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है। अब ये देखिए, एक सर्कल है वो दूसरे के अंदर समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है, ठीक है, मिला जुला हुआ नहीं है। आगे हम बात करते हैं नंबर बी पे, बात करते हैं, दिया गया आरेख यह दर्शाता कि कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं है लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य है। अब देखिए, इन दोनों के अंदर ये क्या है कि कुछ कुछ समानता है इनके अंदर लेकिन ये बिल्कुल मिले जुले हुए नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास है नंबर सी पे, इसमें दिया गया आरेख यह दर्शाता कि कोई सदस्य समान नहीं है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, इनके अंदर कोई भी समानता नहीं है, 1% भी इनके अंदर समानता नहीं है। और आगे हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, इससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे, हाँ जी, ये क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये जो है ये हमारा अंग्रेजी का सर्कल है, ये जो सर्कल है हमारा अंग्रेजी का, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये क्या है हमारे अंग्रेजी के है, ठीक है। और जो गणित पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं, एफ डी ई, ये है, यह छात्र दोनों पढ़ने वाले हैं। जो डी और ई है ना, ये दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अंग्रेजी और गणित दोनों पढ़ते हैं। अब हमें इसमें क्या बताना है, देखिए उपरोक्त चित्र में देखते हुए हमें यह याद हुआ कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली। नंबर एक पे केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र कौन से, ए बी सी, जो केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं वो कितने हैं, ए बी सी, ये तीन छात्र हैं। उसके बाद में केवल गणित पढ़ने वाले कौन है, एफ, ये क्या है, ये केवल और केवल गणित पढ़ता है। उसके बाद में दोनों पढ़ने वाले कौन से, डी और ई, डी और जो ई है वो गणित भी पढ़ता है और अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट ये पढ़ते हैं। उसके बाद में यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दो चित्र आपस में इकट्ठे हो तो उनके बीच क्या करे, दोनों से जुड़े जाता था। अब देखिए यहां से इस तरह से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी चीज की। और आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे ये देखिए, ये हमारा एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन लेके चलते हैं, और ये हमारा यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, करीब 2010 के करीब ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भारतीय दिए हुए हैं, भारतीय ये बोला है, एक दो तीन चार, ये क्या है, भारतीय है। उसके बाद में वकील कौन कौन से है, दो तीन छ सात। उसके बाद में अध्यापक कौन से है, 5 6 3 4, ठीक है। ये हमने वेन डायग्राम देखा, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नंबर एक पे कौन सी संख्या भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है, यानी कि जो क्या है, भारतीय भी होने चाहिए, अध्यापक भी होने चाहिए और वकील भी होने चाहिए, तीनों क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए भारतीय जो ये तीन है, तीन क्या है हमारा, भारतीय है, ठीक है, तीन क्या है हमारा, वकील भी है, और तीन क्या है हमारा, अध्यापक भी है, तो तीन, इसके अंदर राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। थ्री क्या है, वो भारतीय भी है, अध्यापक भी है और वकील भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारी ऐप निमीजी नेट जरूर डाउनलोड करना, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके भी सर्च कर सकते हैं निमीजी नेट।
आगे हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे यूथ है, 1 2 5 इत्यादि हमारे यूथ है, उसके बाद में पढ़े लिखे कौन कौन से हैं, 2 3 5 6 ये पढ़े लिखे, उसके बाद में रोजगार किन के पास है, 4 5 6 7 के पास रोजगार है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो ऐसे युवाओं को, देखिए ऐसे युवाओं को दर्शाता है जिनके पास रोजगार तो है पर शिक्षित नहीं है। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, युवा फाइंड आउट करना है और रोजगार, युवा ऐसे युवा जिनके पास रोजगार है लेकिन शिक्षा नहीं है। सबसे पहले युवा और रोजगार, युवा कौन से होंगे, 1 2 5 4 हो गए, और जिनके पास रोजगार है, रोजगार किन के पास है, 6 5 4 5 6 7 ठीक है। तो इनके अंदर कॉमन कौन से, जो यूथ भी है और जिनके पास रोजगार भी है, तो ये देखिए इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो हमारा आता है 4, ये देखिए 4 जो है वो रोजगार भी है और यूथ भी है, और 5 देखिए 5 भी हमारा ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षित नहीं है, क्या है, शिक्षित नहीं है। अब ये देखिए ये जो नंबर 5 है, नंबर 5 तो क्या है, ये यूथ भी है, ठीक है, ये क्या है, यूथ भी है और ये पढ़ा लिखा भी है और ये इसके पास रोजगार भी है, तो ये तीनों की तीनों चीजें इसके अंदर है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो ये जो 4 है ना, ये देखिए 4 नंबर का जो है उसके, ये क्या है, यूथ है और रोजगार है, बट ये क्या है, शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, केवल 4, ओनली 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो युवा है और रोजगार है बट पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह के काफी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करके देखना, बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों हमने पेड कोर्स में एक और बहुत बढ़िया चीज की हुई है, क्या किया हुआ हमने, 2012 से लेकर 2020 तक अभी तक जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हैं। जैसे कि आज तक लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हमने अलग करके, रिसर्च के अलग करके, टीचिंग के अलग करके, इस तरह से आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और आप बिल्कुल आसानी से अपना नेट और जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और मैं टाइप आपको दिखाता हूँ वेन डायग्राम के, जिससे देख के आपको और अच्छे तरीके से वेन डायग्राम समझ में आ जाएगा। अब देखिए नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि इसमें नंबर 1 पे जो है इसमें उदाहरण पुरुष और मामा लेके चलते हैं। अब देखिए पुरुष जो है, ये हमने ऊपर का जो गोला है वो पुरुष ले लिया, अंदर का ले लिया हमने मामा ले लिया। अब देखिए जो मामा है वो पुरुष होगा ही होगा, ठीक है, मामा किसके अंदर है, पुरुष के अंदर है, मामा जो है वो हमेशा पुरुष होगा ही होगा, लेकिन जो पुरुष है वो जरूरी नहीं है कि मामा हो, ठीक है, क्योंकि पुरुष वो चाचा भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है कि उसकी कोई बहन ना हो, वो मामा हो ही ना, ठीक है, लेकिन जो मामा है ना वो हमेशा पुरुष होगा। तो ये है एक जो गोला है दूसरे के अंदर किस तरह से समाहित होता है, उसे रिप्रेजेंट इस तरह से हम करेंगे। आगे नंबर 2 पे हम बात करते हैं इसी के अंदर, अगर हम पुरुष और वकील की हम बात करें, ठीक है, अब देखिए ये हमने पुरुष ले लिया और ये हमने वकील ले लिया, ये क्या है, आंशिक रूप से संबंधित है, ठीक है, और ये क्या था हमारा, पूर्णतः संबंधित, पूर्ण रूप से संबंधित, ये जो मामा है ना ये पूर्ण रूप से पुरुष है। अब ये आंशिक रूप से संबंधित हम किस तरह से कहेंगे, अब देखिए ये हमने पुरुष ले लिया, ये जो सर्कल है ये पुरुष का ले लिया, ये सर्कल ले लिया हमने वकील का, तो जो कुछ पुरुष है वो वकील हो सकते हैं और कुछ वकील क्या है वो पुरुष हो सकते हैं। अब देखिए जो वकील है, वकील लेडीज भी तो हो सकती है ना, तो सारे के सारे जो वकील है वो पुरुष हो ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ कुछ जो वकील है वो पुरुष हो सकते हैं, ये जो हमारा पोर्शन है वो क्या हो गया, कुछ पुरुष वकील है, तो ये क्या हो गया, आंशिक रूप से संबंधित हो गए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पूर्णतः असंबंधित, यानी कि जो पूर्ण रूप से असंबंधित हो। अब देखिए अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं,
ये हमारा सर्कल हो गया डॉक्टर का और ये हो गया वकील का। अब देखिए दोनों के व्यवसाय अलग अलग हैं, दोनों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये पूर्णतः असंबंधित इनको हम बोलेंगे, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग अलग है। आगे हम बात करते हैं तीन समुच्चयों के बीच में हम किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं। अब ये देखिए जब एक समुच्चय दूसरे से तथा दूसरा तीसरे से संबंधित हो तो वहां पे किस तरह का रिलेशनशिप होगा। अब देखिए सबसे पहले हमने लिया सेकंड, लिया सेकंड क्या है, सेकंड मिनट के अंदर आता है, ठीक है। मिनट किसके अंदर आता है, घंटे के अंदर आता है। और ये हमने क्या ले लिया, अब देखिए जो घंटा है, घंटा है, घंटे के अंदर क्या आएगा, मिनट भी आएगा, ठीक है, और सेकंड भी आएगा। तो ये जो सेकंड है ना, सेकंड को हम मिनट के अंदर भी काउंट करेंगे और घंटे के अंदर भी काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन घंटा जो है हमारा, 1 आवर जो है वो सेकंड के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो सेकंड है वो घंटे के अंदर आ सकती है। तो इस तरह से भी इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और आगे है, और भी है, वो भी हम देखते हैं। तीन समुच्चयों के बीच में और क्या क्या संबंध हो सकते हैं। देखिए ये चीज तो हमने कर ली थी, यहाँ पे ये कर लिया था। और उसके बाद में है हमारे पास कि दो चीजें किस तरह से संबंधित हो सकती है। अब ये देखिए जब दो समुच्चय एक समुच्चय से पूर्णतः संबंधित हो परंतु दोनों समुच्चय एक दूसरे से पूर्णतः असंबंधित हो, यानी कि दो चीजें हैं वो तीसरी के अंदर इंक्लूड हो सकती है लेकिन वो आपस में अलग अलग होगी। अब इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दे के चलते हैं। जैसे हमने एक ले लिया मेज, एक ले ली कुर्सी, ठीक है, और ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, हमारी फर्नीचर के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। फर्नीचर के अंदर हमारी मेज भी आएगी और कुर्सी भी आएगी, तो ये इस सर्कल के अंदर इंक्लूड होगी, फर्नीचर के अंदर इंक्लूड होगी। लेकिन जो क्या है, मेज अलग चीज होती है और कुर्सी है वो अलग चीज होती है, उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पे किस तरह का इनका स्ट्रक्चर हो सकता है तीन सर्कल के अंदर। जब दो समुच्चय एक समुच्चय से पूर्णतः संबंधित हो और दोनों में कुछ आंशिक रूप से रिलेशनशिप हो, कुछ समानता हो। अब ये देखिए हमने यहाँ पे स्त्री ली, माँ ली, बहन ली, ठीक है। अब देखिए ये हमने शुरू के अंदर क्या लिया, स्त्री ली यानी कि लेडीज ली, ये जो सर्कल है हमने लेडीज का लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने एक माँ ले ली और एक बहन ले ली, ठीक है। माँ और बहन क्या है, ये स्त्री के अंदर आएगी, ये किसके अंदर आती है, लेडीज के अंदर आती है, दोनों की दोनों। माँ चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, वो लेडीज के अंदर आएगी। इसी तरीके से बहन, बहन भी हमारे स्त्री के अंदर आएगी। अब ये देखिए ये दोनों मिले जुले हुए कैसे हैं, एक जो माँ है ना, माँ वो बहन भी हो सकती है और जो बहन है ना वो माँ भी हो सकती है, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ समानता यहाँ पे हम मान सकते हैं, इनके अंदर कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम समझेंगे। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से हमारे हैं, आगे हमारे कि ये देखिए एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा समुच्चय दोनों समुच्चय से आंशिक रूप से संबंधित हो सकता है। इसका एक और भी बन सकता है, इसका डायग्राम क्या बन सकता है। और ये सभी डायग्राम आपको समझने क्यों जरूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट में काफी डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी को आप एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी और अच्छे से समझिए इनको। देखिए ये हमने ले लिया खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी और विवाहित। अब ये देखिए ये जो सर्कल है हमने ये ले लिया खिलाड़ी का, ले लिया और ये ले लिया हमने क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट के जितने भी लोग हैं क्रिकेट खेलने वाले वो क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे ही होंगे, है ना, वो क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे। अब देखिए विवाहित, ये जो सर्कल है हमने विवाहित का ले लिया। अब देखिए विवाहित जो लोग हैं वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं और क्रिकेटर भी हो सकते हैं, यानी कि आंशिक रूप से हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने विवाहित लोग हैं वो सारे के सारे खिलाड़ी हुए, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हमने कुछ हिस्सा साइड में रख दिया। इसी तरीके से जितने भी विवाहित लोग हैं वो क्रिकेटर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कुछ विवाहित लोग हमारे खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ विवाहित लोग हमारे क्रिकेटर भी हो सकते हैं, ठीक है।
और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो विवाहित है और वो क्रिकेटर भी है, खिलाड़ी भी। ये तो सीधी सी बात है, जो क्रिकेटर होगा वो खिलाड़ी होगा ही होगा। तो इसको हम इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से। आगे हम बात करते हैं कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा दूसरा समुच्चय तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो, परंतु पहले और तीसरे के बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो। अब देखिए, इसमें तीन चीजें लेके चलते हैं। नंबर एक लेके चलते हैं डॉक्टर, लेके चलते हैं। ये डॉक्टर का ले लिया, ये हमने पुरुष का ले लिया, ठीक है, ये हमने इंजीनियर का ले लिया। अब देखिए, जो डॉक्टर है वो पुरुष हो सकता है ना, और इंजीनियर है वो भी पुरुष हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये जो दोनों गोले हैं, इंजीनियर और डॉक्टर के ये जो दोनों गोले हैं, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और इंजीनियर है वो भी पुरुष हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों गोले, ये गोला और ये गोला, ये दोनों सर्कल एक सर्कल से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन दोनों आपस में मिले जुले हुए ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और तीसरा एक और हमारा बनता है, तीनों के तीनों समुच्चय एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो सकते हैं, तीनों के अंदर कुछ रिलेशनशिप हो सकता है आंशिक रूप से। अब देखिए, पुरुष वकील लेखक, हमने ये बात की है। अब देखिए, जो पुरुष है, कुछ पुरुष जो है वो वकील हो सकते हैं, ठीक है, और जो वकील है वो लेखक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जो लेखक है वो पुरुष भी हो सकते हैं और वकील भी हो सकते हैं, वकील जो है वो पुरुष भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तीनों के तीनों चीजें हमारी कॉमन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा कि तीनों जो सर्कल है वो आंशिक रूप से कुछ ना कुछ मिले हुए हैं। तो इस तरह से आपको इसको आप इसे समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास दो और सर्कल है, उनको और समझने की कोशिश करते हैं हम। दो तीन और हैं हमारे। ये देखिए, तीन समुच्चयों के बीच में और क्या क्या संबंध हो सकते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, दो समुच्चय एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा तीसरा इन दोनों समुच्चय से पूर्णतः संबंधित हो। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, हमने कुत्ते ले लिए, कुत्ते के बच्चे जानवर के बच्चे ले लिए। अब ये जो सर्कल है, हमने कुत्ते का ले लिया, कुत्ते जितने भी उनका ले लिया, उसके बाद में जानवर के बच्चे। अब देखिए, जो कुत्ते हैं वो क्या है, जानवर के बच्चे हैं। ये हमने जो कुत्ते हैं वो जानवर के बच्चे, ये हमारा क्या आ गया, हमारा कॉमन आ गया इनके बीच में। उसके बाद में कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे क्या, ये देखिए, ये जो है हमारे कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे क्या होंगे, वो कुत्ते तो होंगे ही होंगे, प्लस में वो जानवर के बच्चे भी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों के अंदर पूर्ण रूप से समाहित है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। आगे एक और देखते हैं, उदाहरण नंबर 8। दो समुच्चय एक दूसरे से पूर्णतः असंबंधित हो तथा तीसरा उन दोनों समुच्चय से आंशिक रूप से संबंधित हो सकता है। अब देखिए, इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उदाहरण लेके चलते हैं, स्त्री। अब देखिए, ये हमने लेडीज ले ली, स्त्री ले ली, और ये पुरुष ले लिया। अब देखिए, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों बिल्कुल अलग है, स्त्री अलग होती है, पुरुष अलग होते हैं, बिल्कुल अलग है। लेकिन जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है, ये इन दोनों के बीच में कॉमन हो सकता है। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो कॉमन हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। और आपके आएंगे एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाने, तो आप पहले इनको अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए, आगे हमारा 9वां किस तरह का उदाहरण हो सकता है। एक समुच्चय से दूसरा पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा समुच्चय उन दोनों से पूर्णतः असंबंधित हो। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, सूर्य तारा ग्रह हम लेते हैं। अब देखिए, जो सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य, सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। जो सूर्य है ये हमारा तारे के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन जो ग्रह है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया ना, ग्रह जो है वो तारा नहीं होता, तो ये इन दोनों से बिल्कुल अलग हो जाएगा।
उसके बाद में हम बात करते हैं दो समुच्चय एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो तथा तीसरा इन दोनों से पूर्णतः असंबंधित हो। अब देखिए दो जो है वो आंशिक रूप से संबंधित हो सकते हैं, तीसरा बिल्कुल अलग हो सकता है। अब देखिए इसको हम मान के चलते हैं मजदूर पुरुष और ट्रक। देखिए ये हमने सर्कल ले लिया मजदूर का, ये ले लिया पुरुष का, ठीक है। तो कुछ मजदूर है वो पुरुष हो सकते हैं और कुछ पुरुष है वो मजदूर हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रक है, ट्रक तो बिल्कुल ही अलग चीज होगी ना, मजदूर का पुरुष का और ट्रक का तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। तो ये 10 उदाहरण है दोस्तों, और उसके बाद में एक और उदाहरण और बचता है इसके अंदर कि तीनों के तीनों सर्कल बिल्कुल ही अलग हो, बिल्कुल ही अलग भी हो सकते। उदाहरण नंबर 11 के अंदर देखिए डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया और वकील हो गया, ये तीनों के जो व्यवसाय है वो तीनों का व्यवसाय अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो ऐसे भी हमारे सर्कल हो सकते हैं। तो ये देखिए ये तीन सर्कल हमने वेन डायग्राम बताए कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या इनकी पोजीशन हो सकती है, कैसे ये बन सकते हैं। तो आप इन सभी को एक बार फिर से देख लीजिए अगर देखना चाहें तो, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर ये बनाने पड़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे लाइव मॉक टेस्ट में आपको ये दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप हमारी ऐप निमिज नेट जरूर डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरपी चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।